बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सुफियान भट्ट फ्रॉम टाइटेनियम ग्रुप। व्यूअर्स, हमें बहुत सारी क्यूरीज रिसीव हो रही थी रिगार्डिंग बहरिया ऑर्चर्ड सी ब्लॉक के हवाले से, तो आज मैंने चाहा कि अपने व्यूअर्स को सी ब्लॉक, एक तो हमारी स्क्रीन पे आप चल रहा है सी ब्लॉक को आप देख सकते हैं कि कितनी यहाँ पे डेवलपमेंट हो चुकी है और कितने यहाँ पे घर बन चुके हैं और क्या चीज़ें यहाँ पर फंक्शनल हैं। तो आज मैं सी ब्लॉक की आपको एक्सेस के हवाले से और वहाँ पर जो प्लॉट कैटेगरी और उनकी प्राइजेज़ हैं उनके हवाले से मैं बात करूँगा। बहरिया ऑर्चर्ड मेन रायवन रोड पे, अगर आप अड्डा प्लॉट से थ्रू रायवन रोड जाते हैं रायवन की तरफ, तो मेन रायवन रोड पे सेकंड एंट्रेंस से जब आप अंदर एंटर हो तो फेज़ वन का ईस्टर्न ब्लॉक जो है वो आपके लेफ्ट साइड पे आता है। लेफ्ट साइड पे ईस्टर्न ब्लॉक को क्रॉस करते हुए आपका नेक्स्ट जो है वो एक्सप्रेस वे आता है और उसके बिल्कुल अपोजिट में सी ब्लॉक है फेज़ टू का। फेज़ टू में अगर आप देखें तो सी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जहाँ पर बहुत ज़्यादा की फीचर्स हैं और ऑल ओवर फेज़ टू के जितने भी ब्लॉक्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा की फीचर्स रखने वाला और सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट जो ब्लॉक है वो सी ब्लॉक है, क्योंकि यहाँ पे इसका सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे बहरिया टाउन का मेन हेड ऑफिस है जहाँ पूरे ऑल ओवर लाहौर की सारी ट्रांसफ़र वहाँ पे होती हैं, जिसकी वजह से लोगों की वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चहलकदमी भी रहती है और रौनक भी रहती है। और अगर आप वहाँ पे पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन वहाँ पे ऑलमोस्ट 40% के करीब हो चुकी है, घर वगैरह बने हुए हैं, लोग वहाँ पे रहते हैं और वहाँ पर कमर्शियल मेन बुलेवर्ड पर एक्टिव हो चुके हैं, वहाँ पे आपके मार्ट्स एक्टिव हैं और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं। फेज़ टू में सिर्फ मैंने बताया कि सी ब्लॉक के मेन बुलेवर्ड पर कमर्शियल एक्टिव हुए हैं और इसमें अगर आप मोमेंटम पार्क भी बन चुका है और इसमें ज़ू भी बन चुका है बच्चों के लिए, किड्स प्लेइंग एरिया भी बना हुआ है। अगर डायमेंशन डायमीटर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी फर्दर इसमें एक्सटेंशंस भी वो इसको फर्दर एक्सटेंड करते जा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। प्लॉट कैटेगरी में आपको बता दूं कि यहाँ पे 5 मल्ला और 8 मल्ला की प्लॉट कैटेगरी है और उनकी प्राइसेस अगर मैं बात करूँ तो फेज़ टू में सी ब्लॉक के जो प्लॉट्स हैं 5 मल्ला के 32 लाख से लेके 38 लाख तक लोग वहाँ पे डिमांड कर रहे होते हैं और इसी तरह से 8 मरला में अगर जाएं तो 8 मरला आपको 38-40 के प्लस माइनस से स्टार्ट होके और आपको 50 प्लस माइनस में आपको वहाँ पे 8 मरला पोजेशन वाले प्लॉट्स अवेलेबल हैं, रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन प्लॉट्स हैं जहाँ पे आप फ़ौरन ख़रीद के अपना घर बना सकते हैं और ईच एंड एवरी थिंग टोटल सारी वहाँ पर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं आपको, बच्चों के किड्स प्लेइंग एरिया और पार्क्स वगैरह बने हुए हैं, जू वगैरह बने हुए हैं और काफ़ी रौनक वाला एरिया है। और इसके अगर बाहर आप जो ईस्टर्न ब्लॉक मैंने बताया उसमें आपका PSO का पेट्रोल स्टेशन भी एक्टिव हो चुका है, फंक्शनल हो चुका है और फर्दर ज़रूरत ज़िंदगी की तमाम सहूलियात बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर वो तो अवेलेबल है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल और काफ़ी ज़्यादा मसाजिद, उसमें सिनेमा एक्टिव है, उसमें आपकी स्कूलिंग बच्चों की एक्टिव है, बैंक्स की ब्रांचेज सारी एक्टिव हैं और बड़े अच्छे इन्वायरमेंट के अंदर आपको ये एक अपना घर बना सकते हैं यहाँ पर। और प्राइजेज भी इसकी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी प्राइजेज की डाउन है और इट इज़ द राइट टाइम टू परचेज़ दी प्लॉट हेयर। और इसमें मैं आपको बताऊं कि अगर आप फेज़ वन में प्राइस रेंज देखें ना तो वहाँ पे आपको 5 मल्ला का प्लॉट जो है ना वो 40 प्लस माइनस से स्टार्ट होता है और सेम इसी तरह से उसकी भी फैसिलिटी है जिस तरह के सी ब्लॉक के अंदर है। सी ब्लॉक में सेम वही सिनेरियो, सेम डेवलपमेंट और सेम वही पॉपुलेशन है जो फेज़ वन के ईस्टर्न ब्लॉक के अंदर है, उसी तरह से है बिल्कुल सेम और उसके बिल्कुल अपोजिट में आ रहा है। और प्राइस रेंज देखें तो वहाँ पे 40 से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे 32 से स्टार्ट हो रही है, यानी आप जो है ना वो एक बड़े अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर यहाँ पे अपना घर बना सकते हैं। ये उन लोगों के लिए मोस्ट रिकमेंडेड है जो फ़ौरन घर बनाना चाह रहे हैं और एज़ कम्पेयर टू अदर ब्लॉक्स, यानी जिस तरह फेज़ वन के अंदर आपको 40 से 5 मल्ला के प्लॉट प्राइस स्टार्ट होती है, इसी तरह से आप फेज़ टू के सी ब्लॉक के अंदर वही फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेल कर सकते हैं, उसको एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग बहरिया और या इन ऑल ओवर पाकिस्तान किसी भी प्रॉपर्टी के हवाले से आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और नीचे स्क्रीन पर दिया गया मेरा नंबर है, इस पर आप एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। IMO व्हाट्सएप भी इसी पर एक्टिव है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।